नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूँ वसीम। मुजफ्फरपुर में लगातार चमकी बुखार के कारण मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर छात्र राजद आज राजभवन मार्च करने जा रही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, छात्र राजद के तमाम जो नेता हैं वो अब छात्र राजद के प्रदेश कार्यालय से अब राजभवन मार्च निकाल रहे हैं और अब धीरे धीरे वो इनकम टैक्स चौराहे की ओर बढ़ रहे हैं। ये दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ पर बिहार की गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ ये राजभवन मार्च निकाला गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पूरा बिहार सरकार, पूरा केंद्र सरकार इस पूरे मामले पे विफल रहा है। किसी तरह का कोई भी सुविधा अभी तक मुहैया नहीं कराया गया है। अभी तक बच्चों के मरने का जो आंकड़ा है वो 200 क्रॉस कर चुका है और अभी तक न मुख्यमंत्री का कोई स्टेटमेंट आया है, न स्वास्थ्य मंत्री का कोई स्टेटमेंट आया है, ना ही उनके तरफ से कोई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। SKMCH जाइएगा, अभी भी देखिएगा कंडीशन सेम है, अभी भी बच्चे मर रहे हैं, अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है सरकार से। उसी विरोध में हम लोगों ने ये राजभवन मार्च निकाला। हम लोग स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का इस्तीफा मांगते हैं। सृजन जी, एक बात और है, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी अभी तक नहीं जा पाए मुजफ्फरपुर। उनके अपने नेता के कहने पे ही छात्र राष्ट्रीय जनता दल ने ये राजभवन मार्च निकाला है। तेज प्रताप भैया के आदेश पे ये राजभवन मार्च निकला है। लेकिन क्या उन्हें भी जाना चाहिए था वहाँ पे सांत्वना देने के लिए? वो लगातार स्थिति पे नजर बनाए हुए हैं। उन्हीं के नेतृत्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए थे, उन लोगों ने वहाँ पे मिला है। SKMCH में हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी अंकल गए थे और वो लगातार स्थिति पे अपना नज़र बनाए हुए हैं। वो लगातार स्थिति पे नज़र बनाए हुए और पार्टी के तरफ से उनके जो टीम है वो गई है और जाके रिपोर्ट पेश कर चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में टीम गई थी SKMCH, वो वहाँ से आने का रिपोर्ट दे चुके हैं। आप देख सकते हैं मंगल पांडे की इस्तीफा की मांग कर रहे हैं और ये राजभवन मार्च करने जा रहे हैं, वहाँ पर ये ज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल को। बहरहाल देखना ये होगा कि जो यहाँ पर तेज प्रताप यादव भी पहुँचने वाले थे पर अभी तक वो पहुँचे नहीं हैं, तो क्या तेज प्रताप यादव इस राजभवन मार्च में जो छात्र राजद करने जा रहे हैं उसमें क्या शामिल होंगे? बहरहाल तमाम देश से लाइव सिटीज़ आपको रूबरू कराती रहेगी। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से आप सबसे पहले रूबरू हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।